महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं पंत प्रशासनिक भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 छात्रावास में चलने वाले मेस के संचालक और कर्मचारियों के द्वारा छात्र छात्राओं का शुल्क लेकर फरार हो जाने का आरोप है। जब विद्यार्थियों को इसकी सूचना मिली तो सैकड़ों की संख्या में प्रशासनिक भवन पहुंचे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं ने बताया कि मेस संचालित करने के नाम पर उनसे प्रति छात्र 3,000 रुपये लिए गए थे। 2 दिन में संचालित किए जाने के पश्चात कर्मचारी फरार हो गए। ऐसे में विश्वविद्यालय के 3 मेस से करीब 5,00,000 रुपये लेकर मेस संचालक फरार हो गए। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि छात्रावास के अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था होती है और गार्ड तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी दर्जनों में इसके कर्मचारी और संचालक अपने पूरे सामान के साथ फरार हो जाते हैं। रंडी हॉस्टल में और एलबीएस हॉस्टल जेके महिला छात्रावास, तीनों छात्रावास में मेस का पैसा 3,000 रुपया सभी छात्रों से लिया गया। यह कर करके मेस संचालित किया जाएगा, व्यवस्थित रूप से चलेगा। मेस 2 दिन चलता है और चलने के बाद क्या होता है कि मेस के कर्मचारी बिना किसी सूचना का और अपने सामान को लेते हैं, लेके विश्वविद्यालय से बाहर चले जाते हैं और उनको फ़ोन करके संपर्क किया जाता है तो उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है और हम लोग का सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। और विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी चूक है, सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है कि 30 मेस कर्मी थे तीनों हॉस्टल में लागे। तीनों मेस कर्मी अपने सामान के साथ हॉस्टल गेट से बाहर निकलते हैं या गेट नंबर 2 से बाहर निकल के बाहर चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। सुबह जब हम लोग नाश्ता करने जाते हैं तो मेस पे ताला पाते हैं तो हम लोग इधर उधर फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि वो सब मेस बंद करके पैसा लेके हम लोगों का भाग चुके। मैं वार्डन से बात की, वार्डन ने कहा कि हाँ वो चलाने के मूड में नहीं है। तभी से वार्ता चल रही है, जो सेकेंड टेंडर डाला था उससे वार्ता हुई और उसे बुलाया गया और वो अब तैयार है मेस चलाने के लिए। शाम से बच्चों को भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों ने जमा किया है अपना साप्ताहिक और मंथली जो भी मेस के लिए पैसा जमा किया है, उस जो भी मतलब बच्चे जमा किए हैं। वार्डन से बात हुई तो वार्डन का कहना है कि कुछ बच्चों ने साप्ताहिक जमा किया, कुछ बच्चों ने मंथली जमा किया है, वो बच्चों के उसी पैसे में बच्चों को भोजन मिलेगा शाम से।